जी बिल्कुल, सीबीएसई 10वीं का आज रिजल्ट आ गया है और जो टॉप 13 में पहले नंबर पे जो 13 स्टूडेंट आए हैं उनमें से एक जयपुर की तरु जैन मौजूद है। तरु हमारे साथ मौजूद है, हम तरु से ही बात करना चाहेंगे। तरु, आज आपने टॉप किया है, कैसा लग रहा है पूरे इंडिया में पहले नंबर पे? बहुत अच्छा लग रहा है, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, आई हैडंट एक्सपेक्टेड दिस मच। आपसे जानना चाहेंगे किस स्टडी को लेकर, किस तरीके के स्टडी के मेथड बनाए थे, कि इस क्या ये 500 में से 499 की उम्मीद थी कि 499 आएंगे? उम्मीद तो नहीं थी, बट आई यूज टू स्टडी इन अ प्लान मैनर और डेली टारगेट सेट करके बस उनको कंप्लीट करने का ट्राई करती थी। अपनी इस सफलता का क्रेडिट किसे देंगी? सबको, इवन माय फैमिली, माय स्कूल टीचर्स, माय ट्यूटर्स, एवरीवन। स्टडी को लेकर सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने क्या कहते हैं? माँ सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, सब पूरी फैमिली का, सबका बहुत सपोर्ट था, पूरी फैमिली का सपोर्ट था। आगे क्या बनना चाहती है? आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई वॉन्ट एडमिशन और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं। तरु के मम्मी पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, आपकी बेटी ने न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम और सभी का नाम रोशन किया। जी हाँ, आज बहुत खुश है, हमको गर्व हो रहा है अपनी बेटी पे, और वर्ड्स नहीं है खुशी जाहिर करने के लिए। और इसने जो सोचा था, गोल टारगेट किया था उसने अचीव किया है। इसको भी एक्सपेक्टेशंस इतने नहीं थे, लेकिन हमको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आएगा, तो आज लगा है अच्छा। काफी स्टडी की बात करेंगे तरु की, स्टडी में किस तरीके से, क्या 499 का स्कोर करने की पूरी उम्मीद थी कि तरु 499 या टॉपर्स में किस रैंक पे रहने की उम्मीद थी? देखिए, इतना जल्दी तो हम अचीव नहीं मान सकते हैं कि 99 जो भी आएंगे 499, पर हाँ अच्छे थे, 95% के ऊपर आने की पूरी उम्मीद थी। जो भी इसके पेपर्स हुए थे हमेशा कहती थी अच्छा ही हुआ है, तो आज रिजल्ट सामने है तो लग रहा है। आज रिजल्ट सामने है, तरु की मम्मी भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही है, आज बेटी ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। हमेशा माता पिता के नाम से बच्चों को जाना जाता है, आज तरु के नाम से आपको जाना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा कि बेटी के नाम से मुझे जाना जाए। तरु कैसी रही है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, पढ़ाई से हटके परिवार में, फैमिली में किस तरह का व्यवहार रहा है? नहीं, इसका हर जगह बहुत अच्छा व्यवहार रहा है, सबके साथ घुल मिल के रहती है, हमारी जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, सबके साथ आना जाना, डांस, मतलब सब कुछ करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, सब एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहती है। सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहकर भी 500 में से 499 नंबर हासिल किए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हो रही हूँ मैं। आज सपने भी देखे हैं तरु ने, ये जो बनना चाहती है, क्या इसके सपने पूरे करने के लिए इसको पूरी आजादी दे रखी है कि हाँ? पूरी आजादी है, पूरी आजादी, जो भी कुछ करना चाहेगी उसके लिए, बीइंग पेरेंट्स, जो कुछ हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। बीइंग पेरेंट्स, बहुत कुछ आपने किया है, राज आपकी बेटी ने ये साबित किया है। आप देख सकते हैं कि तरु जैन, जिसने सीबीएसई 10th के रिजल्ट में जो पहले नंबर पे 13 स्टूडेंट आए हैं उसमें अपना स्थान बनाया है, और इनके माता पिता के साथ ही पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अजमेर रीजन की बात की जाए तो अजमेर रीजन से दो विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिसमें से तरु जैन जयपुर की एकमात्र विद्यार्थी है सेकेंड नंबर पे भी। हालांकि जयपुर से, अजमेर रीजन से एक और जो छात्र है उसने जगह बनाई है, लेकिन तरु जैन ने पहला स्थान हासिल किया है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट में अलवर की एक छात्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन जयपुर में पहला स्थान हासिल करकर सीबीएसई 10th में टॉप किया है। जी, तो महिलाओं का वर्चस्व है हर क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी। जिस तरह से सीबीएसई 12वीं के नतीजे आए, टॉप किया एक लड़की रही, और इस बार भी एक छात्रा ने ही टॉप किया है, तरु जैन, जिनसे हमारे सहयोगी ललित मुखातिब हो रहे थे।